हाँ तो है तो वो कैसे इंक्लूड किया देखो, हमने? अगर पांच मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, ठीक है, यस सर। और पांच न्यूटन का फोर्स पीछे लग रहा है पर मॉलिक्यूल, तो हाँ, नेट बैकवर्ड फोर्स कितना लगा? 5। 5 न्यूटन पर, 5 न्यूटन पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल पे ना, अगर पांचों हाँ मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, पांचों पे पांच 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 लग रहा होगा, यस सर, तो नेट कितना लगा? 25। तो अगर n बाय वी कोलाइड कर रहे हैं और एक पार्टिकल पे n बाय वी फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो नेट यस सर, बैकवर्ड फोर्स कितना लगेगा? समझा? n² बाय v² नहीं सर, मैं वो मुझे समझा, लेकिन ये इंक्लूड करना पड़ेगा ना, जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उतने ज्यादा पार्टिकल कोलाइड भी करेंगे, तो हाँ, फोर्स वैसे भी बढ़ना चाहिए। बट पार्टिकल जब कोलाइड कर रहे हैं किसके साथ? आपस में। नो सर, वॉल के साथ। हाँ हाँ, तो सर, वो फैक्टर इंक्लूड नहीं वही तो होगा। लिया हमने एन बाई वी, जो पहला वाला था वही तो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर है आयुष। समझे? यस हाँ सर, रफ करते हैं, गलती से हो हाँ गया था चलो। अच्छा गाइस, तो मैं ये सर। आइसोटोपिक सेपरेशन फैक्टर वही रहता है ना, जब हम अलग अलग कंटेनर्स में जब कैलकुलेट करना रहता है कि जैसे 20th या 30th कंटेनर में कितना मोल का रेशियो रहेगा। हाँ ओके सर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना लॉजिकल पर्सपेक्टिव लेके आते हैं चीजों में, ठीक है। पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना, वी विल डू वन थिंग, एनालिसिस ऑफ गैस पार्टिकल्स। व्हेन दे आर अप्रोचिंग टुगेदर, ठीक है। एक कंडीशन लेते हैं जिसमें रियल गैस पार्टिकल्स ना आपस में पास आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के। गिव मी अ मिनट। या सर वो क्या एनालिसिस अपरोडिंग लिखना है? क्या? अप्रोचिंग टुगेदर और अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर लिखो, ठीक है, अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ओके, सुनो। चलो मेरी बात सुनो, अगर दो गैस पार्टिकल्स हैं, जो दो रियल गैस पार्टिकल्स हैं, इनिशियली ना दोनों रियल गैस पार्टिकल्स एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं। कितना सेपरेशन है? ठीक इनफाइनाइट है, तो दोनों रियल गैस पार्टिकल्स हैं, दे आर इनफाइनाइट सेपरेशन ऑन ईच अदर। एक बात बताओ, जब इनफाइनाइट सेपरेशन होगा तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या वो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स जीरो। ऑफ प्लीज शो द हेडिंग, हेडिंग लो भाई, तुम हेडिंग देखो। सर ये डायरेक्टली रियल गैस इक्वेशन के बाद है ना? हाँ, रियल गैस इक्वेशन के बाद है, बिकॉज हम लोगों को ना रियल गैस को एनालिसिस करना है अभी इन डेप्थ, तो उसमें ना ये थोड़ा सा चाहिए तुमको एक्स्ट्रा, है ना? ओके सर। कॉन्टैक्ट। हाँ चलो ठीक है। अब सुनो, अब कोई भी डाउट है ना प्लीज पूछना, ठीक है, रादर देन राइटिंग ऑन द चैट बॉक्स, बिकॉज देयर इज सम एरर इन द टेक्स्ट चैट बॉक्स, ठीक है। चैट बॉक्स खुल नहीं रहा ढंग से, ठीक है, तो आई एम ट्राइंग इट हार्ड बट इट्स नॉट हैपनिंग। गिव मी अ मिनट।
देखते हैं ठीक है। या नाउ इट्स फाइन इज वर्किंग या आई कैन सी आर्यन आई कैन सी ओके लिसन नाउ गाइस व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग केस वन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इंफिनिटी शैल आई से दैट द रेल गैस पार्टिकल विल बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर Is it possible for these gas particles to attract each other अगर distance infinity है तो? नहीं। sir. अच्छा, very good. तो shall I say that at infinite volume? The distance between the gas particles. Is infinity. There will not be any a girl. Yeah, there will not be any force of. Attraction slash repulsion between them. Any doubt? Sir, लेकिन infinite volume तो exist नहीं करता ना? बेटा मैंने तो करवा दिया ना अगर pressure मैंने बहुत ज्यादा high ले लिया बहुत ज्यादा कम ले लिया suppose करो में डाल दिया बड़ा room ले लिया उसमें सिर्फ दो molecules ले लिया तो बात तो एक ही हो जाएगी ना Yes. Comparative analysis तो कर ही सकते हो ना एक बड़े से रूम के अंदर सिर्फ दो गैस पार्टिकल डाल दिए है ना हाँ फिर ठीक नॉट टंकी राइट हाँ फिर ठीक है ए लिसन टेल मी अगर इनफाइनाइट सेपरेशन है तो क्या गैस पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे क्या अच्छा वो जो केटीजी वाला ड्रॉबैक था कि एक्चुअली रियल गैस पार्टिकल अट्रैक्ट करते वो ओवरकम हो गया यहाँ पे yes. अच्छा एंड इफ वॉल्यूम इज इंफिनिटी जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा एज कंपेयर टू इनफाइनाइट वॉल्यूम वो क्या होगा नेग्लिजिबल होगा कि एप्रिशिएबल होगा नेग्लिजिबल ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल As compared to volume of container, agreed. तो जो दूसरा वाला point था कौन सा वो जो point था वो वाला जिसमें KTG में कह रहा था कि volume of particle is negligible as compared to volume of container, वो भी सही है इस case के अंदर right? Yes, sir. तो एक बात बताओ अगर वो भी सही है इस केस के अंदर तो जो तुम्हारा रियल गैस है वो कैसे बिहेव करेगा आइडियली रियल गैस बिहेव आइडियली ए अंडरस्टूड यस ओके नाउ लिसन सेकंड केस जब मैंने प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया तो क्या होगा When the pressure increases, when the pressure sir scroll up कीजिए okay लो भाई कितना scroll up करना है कितना scroll down करना sir इतना नहीं repulsion से आगे लिखो 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 Done, sir. Okay. We were class till 7:15, right? Yes. Yes, sir. Okay. मेरे दिमाग में 7:45 चल रहा है. Okay. Real gas behaves ideally. Now understand that when the pressure
start increasing. The real gas molecules start approaching each other. Agreed? Yes. Yes. Now, analyze क्या होगा, ठीक है? Let's say ये तुम्हारा neon है, हम एक like xenon ले लो, ये भी xenon ले लो, radius of nucleus nearly 10^-15 meter होता है, याद है? मेरे लाल पीले yes, sir. Yes, sir. Radius of atom approximately 10^-10 meter के approx होता है, right? Yes, sir. अच्छा, मेरे को बताओ, यहाँ electron cloud है, xenon का, यहाँ electron cloud है, जो कि spread हो रखा है यहाँ पे पूरा. तो this is electron cloud which is spread. Now understand that there are certain forces which you have to analyze here. देखो जब दो xenon particle pass में आ रहे हैं, तो nucleus of this xenon will attract electron of this xenon. Yes. This is force of attraction. Yes, sir. Very good. Nucleus of this xenon will attract electron of this xenon. This is force of attraction, right? Yes, sir. Yes. These two negative charges start repelling each other. That is force of repulsion, right? Yes, sir. These two positive charges start repelling each other. This is force. Yes, of- sir. Yes, sir. This is force of repulsion, this is force of repulsion, this is force of attraction, this is force of attraction. Any doubt in that? No. I'm so proud of sir. यार एक बार बताओ, दो गैस पार्टिकल पास में आ रही हैं, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि रिपल्शन ज्यादा होगा? देखो 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 देखो, बोलने से पहले तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए ऐसा क्यों, और नहीं है ना तो सोचो और बोलो सर. हाँ बेटा. सर ये सब इनफिनिट वॉल्यूम और प्रेशर में हो रहा है. मेरे लाल अगर इनफिनिट होता तो मैं इनफिनिटी डालता तो अट्रैक्शन रिपल्शन थोड़ा डालता. जब मैंने प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया तो गैस पार्टिकल पास आना शुरू हो गया, तो अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो इनफिनिट वॉल्यूम रहेगा क्या उस वक्त? नहीं नहीं नहीं. हाँ, प्रेशर जीरो था तो वॉल्यूम इनफिनिटी था, राइट? यस सर. हाँ सर, मेरे हिसाब से ना ही अट्रैक्शन हो रहा ना ही रिपल्शन हो रहा है सर, न्यूट्रल हो जाएगा. बोला ये कौन है नेता आदमी, टेल मी हु इज दैट? आदित्य. आदित्य कहाँ है तू? अरे कहाँ गया? अच्छा पकड़ दो. हाँ बोलो, क्या बोल रहे तुम्हारे हिसाब से? So, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन न्यूट्रल हो जाएगा. अरे देखो यार, इसका आंसर दे दिया. अगर ऐसा है तो कभी रियल गैस लिक्विफाई हो सकती है सर? वो तो हम प्रेशर डाल के करते हैं ना. मैं भी तो प्रेशर डाल ही रहा हूँ ना इधर. मैं भी तो प्रेशर ही डाल रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ इसके अंदर. तो फिर उस लॉजिक से तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा. देखो उस लॉजिक तो ठीक है, बट वो अट्रैक्शन क्यों ज्यादा हो रहा है? अब सुनो मेरी बात. तुम्हारे को दो फोर्सेस बताए थे, ठीक है? ओम बिकॉज प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन. श्रेयस, आई हैवंट एक्सप्लेन इट एनीथिंग. आई एम जस्ट आस्किंग दैट व्हेन द टू ज़ीनॉन पार्टिकल्स कम्स टुगेदर देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू न्यूक्लियस, देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. तो मैं ये पूछ रहा हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्शन ज्यादा होगा कि? बाप बता मेरे को, इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़े से सरफेस एरिया में स्प्रेड है. हाँ, yes. इलेक्ट्रॉन भी बड़े से सरफेस एरिया में स्प्रेड है. yes. तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मैटर करेगा? नहीं नहीं नो सर. बिकॉज चार्ज मैटर करता है कि चार्ज इज टू साइज रेशियो मैटर करता है? चार्ज टू साइज. इलेक्ट्रॉन का जो सर्फेस एरिया हो गया जिसमें वो स्प्रेड है वो बहुत बड़ा है, तो चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन इतना मैटर नहीं कर रहा, राइट? यस सर. न्यूक्लियस का चार्ज टू साइज रेशियो
बहुत हाई अब एक बात बताओ, ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन के पास है, बहुत ज्यादा पास है, गेटिंग इट? यस सर। तो ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, राइट? बिकॉज न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? न्यूक्लियस का चार्ज टू साइज रेशियो बहुत ज्यादा है, राइट? हाँ या ना? यस सर। बताओ क्या दोनों न्यूक्लियस बहुत पास है कि दूर है? अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10^-15 मीटर है, बहुत दूर है। दूर है तो क्या रिपल्शन मैटर करता है क्या दोनों न्यूक्लियस के बीच में, अगर सेपरेशन बहुत ज्यादा हाई है तो? सर ऐसे तो इलेक्ट्रॉन भी दूर है बहुत। मेरे लाल इलेक्ट्रॉन बहुत पास है, अगर याद हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने कहा था अगर तुम एक जगह पे हो, मतलब अगर तुम है ना, तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से स्टार्ट होता है, राइट? तो देखा जाए तो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास होता है इलेक्ट्रॉन, इजंट इट, एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। तो एक बात मुझे बताओ, अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि रिपल्शन ज्यादा होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा। शैल आई से दैट व्हेन द प्रेशर स्टार्ट इंक्रीजिंग द रियल गैस मॉलिक्यूल स्टार्ट अप्रोचिंग ईच अदर एंड द अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। सर आप वापस से एक्सप्लेन करो। एक मिनट बेटा बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू साइज रेशियो है, सरफेस एरिया रेशियो है, वो बहुत कम हो गया, राइट? हाँ सर। तो रिपल्शन मैटर नहीं कर रहे। न्यूक्लियस बहुत दूर दूर है बिकॉज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा है, राइट? तो ये रिपल्शन भी मैटर नहीं कर रहे इतना, बट ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के पास है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के पास है, तो पहले क्या मैटर करेगा? ओके सर समझा, अट्रैक्शन। हाँ, तो एंड द अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। नाउ ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, between the molecules, attraction keeps on increasing. Any doubt? Till a particular point, एक particular point तक attraction बढ़ती है। एक ऐसा पॉइंट एग्जैक्टली एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों न्यूक्लियस बहुत पास आ जाएंगे, जब दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे। अब जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास आ गए तो दोनों के बीच में जो रिपल्शन फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, अप्रिशिएबल हो जाएंगे। एग्जैक्टली बढ़ेंगे। तो टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट, आफ्टर दैट पॉइंट attraction decreases, repulsion increases due to large repulsive forces between the electrons and nucleus. Any doubt? No sir. इतना समझ में आया? Yes sir. अच्छा ये बताओ, attraction की वजह से energy release होती है कि absorb होती है? Release होती है। Release होती है। एक बार बताओ, उस attraction की वजह से जो energy release होती है उसको क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हो उस एनर्जी को जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से होती है? काइनेटिक। वाह, पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ पोटेंशियल, पोटेंशियल है। वो तो एनर्जी जब रिलीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी कि ज्यादा बढ़ेगी? डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। अगर टिपिकल रियल गैस का पोटेंशियल एनर्जी का कर्व देखा जाए ना तो वो इस तरीके का रहता है। ये डिस्टेंस बिटवीन द
टू न्यूक्लियस हो गया, टू एटम्स हो गया, पहले तो जीरो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जब पास आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता रहेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, कम होगा, एंड देन उसके बाद ये भाई साहब क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, गैस के बीच बॉन्ड नहीं बना रहा मैं, गेटेंगे मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बता रहा हूँ, अंडरस्टूड। ये जो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में जा रही है ये किसकी वजह से जा रही है, अट्रैक्शन, और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में जा रही है तो किसकी वजह से जा रही है, रिपल्शन। वेरी गुड, अंडरस्टूड गाइस, यस यस। अच्छा अब पता है क्या, एक जेई के अंदर क्वेश्चन आया था, उन्होंने बोला था कि देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन रियल गैस, क्या बोला था, No attractive forces between real gas. तो वो बोले थे potential energy versus distance का graph बताओ, तो क्या ये बल जाएगा कि नीचे की तरफ? No sir. एक में question आया था कि potential energy versus distance का graph बताओ जब attractive forces real gases के अंदर नहीं है, तो जो तब का जो था यहाँ पे जब बल जो नीचे की तरफ आया because of attraction forces, right? तो अगर जब अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है तो क्या मैं नीचे लेके जाऊं क्या? नहीं, ऐसे ही लेके जाऊं डायरेक्टली सीधा सीधा? यस सर। देन इंक्रीज कर दूं? यस सर। आप एक बार फिर से क्वेश्चन बताओगे? बेटा मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आया था जेई के अंदर कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो है रियल गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, तो अगर उसको पास में लेके आऊंगा तो जो कैसा बनेगा वो पूछ रहे थे, ठीक है, तो क्या ये बल जाएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ तो ये ऐसे ही आएगा ना डायरेक्टली, इसको यहाँ से ऐसे प्लॉट कर देंगे, राइट? यस सर। तो आंसर ये था, अंडरस्टूड? सर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है तो पास कैसे आएंगे? क्या कह रहा है सर, पास कैसे आएंगे वो अट्रैक्टिव? मैं लेके आ रहा हूँ ना, तो मैं बढ़ा रहा हूँ ना बेटा, पिस्टन के अंदर डाल दिया और उसको बाहर से फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ पास जाओ, है ना, अंडरस्टैंड? यस सर। बात समझ में आई तुम लोगों को? चलो आगे चलें सर, प्लीज स्क्रॉल अप, प्लीज स्क्रॉल अप, याद है क्या? यस ओके। सर एक सेकंड थोड़ा और स्क्रॉल अप करूं यहाँ तक? बस सर, यस हो गया, वापस उसी पे जाऊं। क्या चाहता है, नीचे करो? मैं सर देख रहा था वो लिखा है नहीं। अरे नीचे लिखो। यस सर। अभी देखिए और नीचे करूं? डन सर। सर मैं नहीं लिखूं। क्या कह रहा? लेट मी नो नीचे कब करना है, ठीक है? सर द पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा ना जब, मतलब अट्रैक्शन नहीं होगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा जब अट्रैक्शन, हाँ ऑब्वियसली। ओके सर, नीचे करो। Yes, sir. अभी चलें आगे, इतना हो गया तो। Yes, sir. Guys, shall we move ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now listen.
analysis of real gas and compressibility factor. Understood. Now understand. जब हम रियल गैस को स्टडी करते हैं ना, देयर इज अ पर्टिकुलर फैक्टर व्हिच इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. बिलीव मी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ना कंप्रेसिबिलिटी से लेना देना कुछ नहीं है. कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, अगर तुम प्रेशर लगाओगे, अगर तुम प्रेशर लगाओगे तो गैस मॉलिक्यूल पास आएंगे, उनका वॉल्यूम कम होगा, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है, जितना ज्यादा वॉल्यूम बीच में खाली होता है उतना ज्यादा तुम गैस को कंप्रेस कर सकते हो. गेटिंग अ पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन है, हमारे पास सुपरमैन है. सुपरमैन, आर यू देयर? हाँ सर. वेरी गुड. नाउ वी हैव अ सुपरमैन, राइट? नो मैटर हाउ मच अमाउंट ऑफ च्यवनप्राश ही हैज एडेड ऑर नॉट इन हिज बॉडी, डजंट मैटर, राइट? ही इज स्टिल स्किनी एज कंपेयर टू आदित्य, करेक्ट? नॉट दैट आदित्य, बल्की वन आदित्य, राइट? नॉट दैट बल्की ऑल्सो, बट एज कंपेरेटिवली मोर बल्की, राइट? Yes. Very good. Understand one thing. एक कमरे के अंदर 10 आदित्य हैं और एक कमरे के अंदर 10 सुपरमैन है, right? इधर उधर घूम, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं दीवार को छोटा करूंगा, उसको दबाऊंगा अंदर की तरफ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब दोनों दीवारों के बीच में सुपरमैन होंगे और दोनों दीवारों के बीच में आदित्य होगा, उसके बाद क्या कंप्रेसिबल हो पाएगा? नहीं नहीं ना. तो मुझे बता, ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होगा? दस सुपरमैन. सुपरमैन सुपरमैन नहीं मतलब, अरे सुन तो ले यार, पहले ही खुश हो रहा है. हाँ ठीक है, बट द थिंग इज ज्यादा वॉल्यूम कहाँ कम होगी, जिन गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कम है, राइट? हाँ. अच्छा तो एक बार बताओ, कौन सा गैस मॉलिक्यूल बड़ा है, आदित्य या सुपरमैन? आदित्य. आदित्य का गैस मॉलिक्यूल, आदित्य का वॉल्यूम बड़ा है तो बी वैल्यू किसका बड़ा है? आदित्य का बी वैल्यू बड़ा है, बिकॉज बी वैल्यू का मतलब क्या होता है, 4 इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? यस सर. जो बाकी सब तो कांस्टेंट है सबके अंदर, अवोगाड्रो नंबर 4, 4/3 पाई सबके अंदर कांस्टेंट है, जिसका आर बड़ा उसका बी वैल्यू बड़ा, राइट? यस. तो सुपरमैन का बी वैल्यू बड़ा है कि आदित्य का बी वैल्यू बड़ा है? आदित्य. हाँ तो कंप्रेसिबल कौन है? सुपरमैन. तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड होता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है कंप्रेसिबिलिटी से, ठीक है? कंप्रेसिबिलिटी हमेशा बी वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. गेटिंग अ पॉइंट? यस. जो बल्की मॉलिक्यूल है जिसका रेडियस ज्यादा है वो कंप्रेसिबल नहीं काम होगा? नहीं तो नहीं बोलो, मतलब वही सर. गेटिंग इट? चलो, जो पहले से छोटा है वो और छोटा हो सकता है. अरे जो पहले से छोटा है उसका वॉल्यूम बीच में बहुत ज्यादा अवेलेबल होगा ना. मैं तो वो वॉल्यूम निकाल रहा हूँ ना बाहर की तरफ, खाली वॉल्यूम को कम करना इज कंप्रेसिबिलिटी, राइट? छोटे को और छोटा थोड़ा कर रहा हूँ. How can I just reduce the volume of Superman? वो तो उतना ही रहेगा ना. छोटे के अंदर जो air gap से उसको निकाल. हाँ. हाँ, empty volume है, volume empty है. हाँ हाँ. Gas मत बोलो, volume बोलो. Sir. हाँ. तो compressibility ज़्यादा है तो compressibility factor. का कोई लेना देना नहीं है compressibility से. बस नाम है उसका. देखिए अब according to NCERT, now understand what is Z. According to NCERT, Z is defined as V real by V ideal. Real gas का volume, ideal gas का volume, when the temperature, pressure and number of moles remain constant. Getting it? This is according to your beloved NCERT. सरकारी की. Very good. So proud of you, मतलब तुम समझ जाते हो सारी भावनाएं, right? Now actually speaking, जो Z है, that is VR by VI, ठीक है? तो VI को क्या लिख सकते हैं? NRT by P लिख सकते हैं?
रीडिंग इट हियर वी आर बाय एन आर टी ऊपर आ जाएगा पी. कोई डाउट? नो सर. आज के बाद जेड जो है ना जेड वो हमेशा पी रियल वी रियल बाय एन आर टी होता है. अंडरस्टैंड? एक्चुअली और एनआरटी को पी आई वी आई लिख सकते हो. हाँ तो जेड वैल्यू क्या हो गया आज के बाद? P real, V real, P I V I और P real, V real by N R T for one mole. N one हो जाएगा P real, V real by R T. R T. Getting it? Sir. Yes. Sir, but ideal volume के साथ जो pressure होगा वो भी ideal होगा ना, तो R कैसे लिखा? I said जब सब कुछ same है, right? तो P real और P ideal में कुछ फर्क है क्या इस वाली definition के हिसाब से? अच्छा मतलब आपने okay, हाँ ठीक है ठीक है. Getting it? Constant रखा सब कुछ, तब जाके VR by VI होता है. Actually में तुमको क्या use करना है ये? According to competitive examination, right? कहो हाँ मेरे मासूम लोगों, कहो हाँ. हाँ सर. हाँ. सही बात. हाँ. चलो आगे चले. सर हाँ बेटा बोलो. सर वो z के बाहर ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट के बाद क्या लिखा है? n is equal to 1 नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लिया, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लिया तो p का आर्ट इज दैट राइट? यस सर. थैंक यू सर. वो v real into p, p real v real डिवाइड बाय pi vi. नो सर, उसके ऊपर वाले स्टेप में ये. यस सर. मैंने VI को पुट किया था NRT वाले. वो दोनों अलग एक्सप्रेशन है ना, PR VR और NR by NRT. अलग अलग. फाइनली PR VR by NRT आ जाता है. गेटिंग इट? यस सर. व्यूज बहुत होते हैं यार. Z is equal to VR by VI लिखो, या फिर PR VR by PI PI लिखो, या फिर PR VR by NRT लिखो, या फिर सर. हाँ सर, वो z के ब्रैकेट के बाहर आपने क्या लिखा है? n is equal to 1. जब नंबर ऑफ मोल 1 किया तो rt आएगा ना डायरेक्टली nrt की जगह. हाँ समझ में आया गाइस. आगे चलें. यस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जिसको देख के मैं गैस को एनालाइज करूंगा. ठीक है सर. वो pr vr by pi vi गैस है. देखो बेटा, जब टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ मोल सेम था तो Z जैसे डिफाइन था, करेक्ट अकॉर्डिंग टू NCERT. तो VI की जगह मैंने NRT by P लिख दिया. मुझे पता है P real और P ideal दोनों सेम है, करेक्ट? तो यहाँ PR लिख सकता हूँ. तो PR VR लिख लिया, NRT जगह PI VI लिख दिया. कोई दिक्कत? ओके सर. PR और PI से समझ में आई. आज के बाद तुम्हें Z वैल्यू यही फॉलो करनी है. यस सर. यस सर. गुड. अब आगे चलें. इतना हो गया. सर अगर इसका कंप्रेसिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है तो ये है क्या? दिस इज अ टूल फॉर स्टडीइंग द नेचर ऑफ रियल गैस. ठीक है, बताऊंगा कैसे स्टडी करना है, उसी के लिए तो बोल रहा हूँ. आगे चले. हाँ सर. हाँ just give me a minute. Okay. Where are we? Graph. देखो scene क्या है. अगर मैं एक particular real gas का compressibility versus pressure का graph देखूं, Z versus P graph for our beloved real gas. ये प्रेशर है, राइट? ये जेड है,
ये यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये जेड के वैल्यू है, एंड ये जो लाइन है ना दैट बिलोंग्स टू जेड इज इक्वल टू वन. जब जेड इज इक्वल टू वन होगा तो शैल आई से दैट पी आर वी आर बाय एन आर टी इज इक्वल टू वन होगा. यस, तो पी आर वी आर क्या हो जाएगा? पी आर वी आर. तो एक बार बताओ तो मैं कह सकता हूँ रियल गैस बिहेव्स आइडियली. यस यस सर. अगर वो इस इक्वेशन पे काटती है तो मैं रियल गैस का कर्व देख रहा हूँ. जब प्रेशर जीरो था ना, व्हेन द प्रेशर इज जीरो, तो गैस का कर्व यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे, फिर ये प्रेशर बढ़ाने पे ऐसा हुआ और प्रेशर बढ़ाने पे ये बढ़ गया इस तरीके से. सो दैट इज द कर्व फॉर अ रियल गैस. एनी डाउट? समझ में आया ये कर्व? रीजन नहीं बताया अभी तक. समझ में आया ये कर्व कि ऐसे जेड वैल्यू बढ़ रही है और जेड क्या है? पीवी बाय आरटी, वे पी वी बाय एन आर टी, सॉरी पी वी बाय पी आई वी आई, वे पी वी इज पी रियल वी रियल. अब एक बात बताओ, जेड इज इक्वल टू वन क्या है? ये लाइन है बेटा, ये लाइन जो रिड्यूट कर रही है जेड को काट रही है ना बेटा, ये जेड है. हाँ. तो जेड तो इधर जेड की वैल्यू क्या है? वन. समझा? ओके. हाँ सर. नाउ लिसन, एनालाइज करते हैं रियल गैस को. दिख रहा है सबको ये ढंग से? स्टेटमेंट नंबर वन, ठीक है, व्हेन प्रेशर टेंड्स टू जीरो, जब प्रेशर जीरो पे था तो Z की वैल्यू क्या थी? वन. अगर Z की वैल्यू वन थी तो shall I say that P R V R is equal to P I V I is equal to N R T हो रहा था? Yes. तो shall I say that real gas behaves ideally? Sir. हाँ बेटा. Sir, Y axis पे क्या है? Z है. अच्छा अच्छा. हाँ. Right. ये z की वैल्यू 1 है, ये z की वैल्यू लेस देन 1 है, z की वैल्यू मोर देन 1 है. गेटिंग इट? ये z की वैल्यू 1 है, ये line. सर मतलब नीचे 0 भी होगा ना? हाँ, नीचे कहीं 0 होगा इधर इस साइड. अच्छा. सर लेस देन 1 रहेगी, 0 नहीं आती है. ठीक है, गेटिंग? सर आप इसे बताओगे क्या ये जो अभी बनाया? हाँ बताता हूँ. क्या ये? मैंने कहा कोई भी रियल गैस ये वाला कर्व फॉलो करती है. अब ये वाला कर्व क्यों फॉलो करती है वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. ठीक है? अच्छा, ओके सर. हाँ, मेरी बात सुनो. यहाँ जेड प्लॉट किया, ये जेड इज इक्वल टू वन है और ये प्रेशर के हिसाब से बढ़ रहा है. मैंने कहा कि जब प्रेशर जीरो था तो जेड की वैल्यू रियल गैस के अंदर जो जेड की वैल्यू थी वो कितनी थी? वन थी. अगर z की वैल्यू वन थी तो shall I say that real gas behaves ideally? Yes sir. Yes. NRT हो जाता, correct? अरे हाँ या ना? Yes sir. अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना इस चीज को. Reason क्या है? जब pressure zero है, z is equal to one. जब pressure zero है, when pressure is zero, अभी डिस्कस किया वॉल्यूम कितना होगा? इनफाइनाइट. अट्रैक्शन होगा क्या? नहीं. नो अट्रैक्शन. एंड वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल? नेगलिजिबल. वेरी गुड. नेगलिजिबल एज कंपेयर टू इनफाइनाइट वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. Hence, real gas behaves ideally. Yeah. हर real gas ऐसे behave करती है जब pressure tends to zero होता है. Getting it? ये important question है, JEE mains advanced में पूछा जाता है. Getting it?
आगे चले यस सर लिख लिया इतना यस हो गया सर गुड ओके नाउ लिसन नेक्स्ट प्रेशर इज लो टू इंटरमीडिएट जब प्रेशर कम से इंटरमीडिएट रेंज तक लेके गए जब प्रेशर कम था और इंटरमीडिएट रेंज में लेके गए तो Z की वैल्यू क्या थी लेस देन 1 और हायर प्रेशर रीजन पे Z की वैल्यू मोर देन 1 वेरी गुड अब एक बात बताओ सर ये फिर इस ग्राफ में ऐसा एरो क्यों लाया है कौन सा एरो ये जो एक्चुअल ग्राफ लाइन है ये आगे और आगे जाएगा ग्राफ अच्छा ये नहीं सर यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है बेटा नहीं वो तो समझ गया वो आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया ना वो एरो एंड को सर वो अपने कर्व पे कर्व के एंड का कर्व का एरो अरे टेंडिंग तो ऊपर जा रहा है यार अच्छा चलो समझ गया सर रुक जा अभी ठीक है ठीक है गुड Now listen, P low to intermediate. तो ये क्या होता है P low to intermediate में Z की value less than one है कि greater than one है? Less than one. तो हाँ तो क्या होता है? जैसे ही थोड़ा सा pressure बढ़ाओगे, तो the gas molecules approach each other. Attraction क्या होगा? अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा इंक्रीज हाँ जी इंक्रीजेस एक बात बताओ ध्यान से सुनना है ना एक कंटेनर है जिसमें रियल गैस है एक कंटेनर है जिसमें आइडियल गैस है एक बात बताओ जब ये गैस पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं ये तो आइडियल गैस पार्टिकल है क्या आपस में अट्रैक्ट करेंगे नहीं अगर रियल गैस पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनका जो वॉल्यूम होगा व्हेन दे आर कमिंग क्लोजर तो इनका वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज होगा पास में आएंगे वॉल्यूम कम होगा तो ये वॉल्यूम वी रियल हो गया राइट यस प्रेशर टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल सेम है प्रेशर टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल सेम है और यहाँ पे क्या अट्रैक्शन है क्या नहीं नहीं ना अगर अट्रैक्शन नहीं तो क्या वॉल्यूम इस तरीके से कम होगा क्या नहीं सर उसका जो वॉल्यूम होगा वो वी आइडियल होगा यस कौन सा वॉल्यूम कम है वी रियल या वी आइडियल वी रियल कम है वी आइडियल से तो वी रियल बाय वी आइडियल क्या होगा लेस देन 1 अगर ये लेस देन 1 हुआ तो ये जेड था ना हां तो लेस देन 1 जेड का मतलब क्या हो गया इट शोस व्हाट Which part it shows? Attraction वाला. जितना ज्यादा attraction होगा उतना ज्यादा volume कम होगा Yes. जितना ज्यादा volume कम होगा उतना gas molecules पास आएंगे जितना gas molecule पास आएंगे उतना ही Z less than one होगा Yes. Very good. Understood? Sir. सर वी आर इज ग्रेटर देन मतलब वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल है क्या मतलब पहले से था या बेटा क्या बोल रहा है सर ये वी आर मैं ये पूछ रहा हूँ पहले सुना है कि वी आइडियल बड़ा अगर रियल गैस पार्टिकल इनिशियली आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नहीं है तो V I बड़ा होगा V कौन सा बड़ा होगा V I बड़ा होगा
अगर रियल गैस पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो वो दोनों वो रियल गैस पार्टिकल पास में आएंगे ना। हाँ, रियल गैस पार्टिकल पास में आ सकते हैं इतना? नहीं। तो कौन बड़ा, वी आई या वी आर? वी आइडियल या वी रियल? वी रियल। वी रियल बड़ा कैसे होगा जब पास में आ रहे हैं तो? जब 10 सुपरमैन को पास में लेके आया और 10 सुपरमैन अलग अलग हैं तो कौन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? जब अलग अलग है। हाँ तो अलग अलग कौन है इसमें, आइडियल की रियल? आइडियल। हाँ तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? वी आई। बेटा पानी पी, लंबी सांस ले। रियल या आइडियल? लिया, लंबी सांस ले ली। अब बता बड़ा वॉल्यूम किसका होगा, आइडियल का कि रियल का? सर रियल के अट्रैक्शन हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच। वेरी गुड, तो रियल का ज्यादा होगा। क्यों 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 क्यों, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है तो मतलब वो दूर दूर जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, पास पास। हाँ कम होगा। हाँ कम होगा, राइट? यस सर। हाँ अब मुझे बता, वी आर अगर वी आई से कम है तो लेस देन वन होगा जेड? हाँ, बिकॉज जेड वी आर बाय वी आई को डिफाइन होता है। यस सर। गाइस जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना जेड वैल्यू वन से कम होगा, कम होगा। गेटिंग इट? यस। वेरी गुड, आगे चले। Yes. समझ में आई मेरी बात? अच्छा, वैन डर वाल इक्वेशन के अंदर ना देयर इज अ थिंग नोन एज ए, व्हाट द हेल वाज ए? सर वो बैक प्रेशर निकाला था, उसमें कांस्टेंट था। अरे नाम क्या था उसका बेटा, नाम क्या है इस कांस्टेंट का? कांस्टेंट ऑफ अट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। Attraction. अगर A value ज़्यादा है तो attraction ज़्यादा है। Attraction ज़्यादा है तो VR कम है और कम है। Z कम है। Exactly. अब एक बार बताओ, shall I say greater the A value? Greater will be attraction. Lesser will be the Z value from unity. Agreed? Yes, sir. उतना ज्यादा Z one से कम होगा. Agreed? तो अगर मैं बताऊ, अगर A value ज्यादा है, attraction ज्यादा है, तो gas easily liquefiable होगा कि कम easily liquefiable होगा? Easily liquefiable होगा। तो मतलब अगर मेरे पास एक गैस ये है, A for apple, दूसरी है B for बड़ा apple, किसका Z value ज़्यादा कम है? B. B. तो Z value of B is lesser than Z value of A. कौन सा attract ज़्यादा कर रहा है एक दूसरे को? B. B. The value of B is more than A value of A. Yes. Yes, sir. Getting it? And listen, B will be easily liquefiable. Understood? Okay, sir. So, compressibility factor ka compressibility pe depend kar raha hai ki liquefiability pe depend kar raha hai abhi is moment pe. Liquefiability. Understood? Liquefaction would depend on, correct? Yes. Now, shall we move ahead, guys? Sir, ek baar class ko lock karo. Haan, bas.
गाइस हो गया सर, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करो। हाँ बेटा, कि तुम इतना कम एनर्जी के साथ क्यों बोलते हो, मतलब संभाल के रखिए बुढ़ापे तक। सर धन्य व्यवस्था बोलने का पूछ रहा हूँ, मतलब अभी से इतना फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे। ऑक्सीजन बचा रहे हैं सर। वी आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन सर। रहने दे, तेरा सॉफ्ट और तेरा स्पोकन अपने पास रख, मैं एनर्जी कंटेंट की बात कर रहा हूँ। एंड वी द सॉफ्टर वी स्पीक the more the energy is conserved. See, sharif log hai about you that you have to conserve energy, but what about the other people? Guys aage chale. Yes sir. Hey sabne likh liya buffoons. Okay, great, listen now. Third पॉइंट, राइट, हम लोगों ने हायर प्रेशर रीजन पे ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया, राइट, जेड वाज लेस देन वन और ग्रेटर देन वन? ग्रेटर देन वन। ओके, जेड वाज ग्रेटर देन वन। एक बार बताओ, एट हाई प्रेशर रीजन रेपल्शन ज्यादा होगा। अरे वाह, the real gas particles start repelling each other and repulsion predominates. ये हमने अभी पढ़ा था, nucleus पास आ जाते हैं, electron पास आ जाते हैं, right? Yes. आया ना, एक बार बताओ, ये तुम्हारा आइडियल गैस का है जहां पे इतना रिपल्शन नहीं है, दिस इज वी आइडियल, और अगर रियल गैस पार्टिकल आपस में रिपेल करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, बिकॉज रिपल्शन ज्यादा है, बढ़ेगा। तो ये कौन क्या चीज ज्यादा है, वी आर या वी आई? Sir, VR ज़्यादा है, तो Z. VR by VI, which is equal to Z. Well, what will happen to it? Greater than one. So let's say great, Z is greater than one, it denotes repulsion, right? Yes. Sir, अभी just क्या बोला, repeat करना। One second, थोड़ा तेज़ बोलना बेटा। सर अभी जस्ट क्या बोला, वो रिपीट करो ना सर। मैंने कहा कि अगर हाई प्रेशर है ना, तो जो रियल गैस पार्टिकल बीच में अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है? रिपल्शन। ओके, अगर रिपल्शन हो रहा है तो जो गैस पार्टिकल्स है दूर जाएंगे या पास आएंगे? दूर जाएंगे। अगर दूर जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। हाँ, तो कौन सा ज्यादा वॉल्यूम होगा, वीआर या वीआई? वीआर बड़ा होगा या वीआई बड़ा होगा? वीआर सर। अगर वीआर बड़ा है वीआई से, तो जेड की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन वन। समझ में आई बात? यस सर। आगे चलें। Yes, sir. चलो ग्रेट, तो जेड इज ग्रेटर देन वन इज शोइंग रिपल्शन, राइट? यस सर। चलो ठीक है, लिसन एवरीवन, एनालिसिस ऑफ वेरियस गैसेस, वेरियस रियल गैसेस with pressure. Sorry, ऊपर स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करोगे? दोबारा बोल, सुनाई नहीं दिया। ऊपर स्क्रॉल करोगे एक मिनट? ऊपर स्क्रॉल करना, रुको।
यस सर हो गया थैंक यू analysis of real gas with pressure right now listen this is z this is pressure right and z is pv by rt bahut different gases hai hamare paas theek hai pehli gas dusri gas तीसरी गैस चौथी गैस पांचवी गैस छठी गैस गैस ए गैस बी गैस सी गैस डी गैस ई गैस एफ मैं डाल देता हूं एक्चुअल नेम सॉरी यहां पे मैं SO3 है ये लेट्स से CO2 है ये लेट्स से कार्बन मोनोऑक्साइड है ये तुम्हारा नाइट्रोजन है ये तुम्हारा लेट्स से हीलियम है एंड दिस इज हाइड्रोजन ठीक है अरे एक बात बताओ इन चारों गैस में से कौन सी गैस इस पर्टिकुलर टेम्परेचर कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में लिक्विफाई कर सकती है सारी गैस वैल्यू लेस देन 1 है एस कंपेयर टू दिस टू हां मतलब सबसे ज्यादा डेढ़ वन है रिपल्शन है राइट यहाँ पे हर जगह रिपल्शन है और यहाँ पे क्या अट्रैक्शन क्या रिपल्शन है नाउ अंडरस्टैंड दैट ग्रेटर द ए वैल्यू इज विल बी सर हमने t इक्वल टू k लिखा उसके बाद से बताओ ना क्या बोल रहे हो टेम्प कांस्टेंट टेम्परेचर पे सारी गैसेस राइट मैंने गैसेस लिख दी सारी मैंने बोला यहाँ पे अट्रैक्शन होगा बिकॉज z लेस देन 1 है यहाँ पे रिपल्शन होगा बिकॉज z इज ग्रेटर देन 1 हाइड्रोजन हीलियम के लिए रिपल्शन ही है नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 SO3 के लिए अट्रैक्शन है और रिपल्शन दोनों है यस सर समझा अब मैं बोल रहा हूँ कि कौन सी गैस अच्छा जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा उतना ईज ऑफ लिक्विफैक्शन रहेगा आया ना यस कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई होगी SO3 सर SO3 के बाद CO2 O और फिर CO लिक्विफैक्शन CO और किसका SO3 उसके बाद CO2 उसके बाद CO बाद N2 वेरी गुड डन Yes, sir. Understood. Any doubt? No, sir. Very good. Now I'll just write down the A value for different gases so that you can analyze it properly. A value सबसे कम होता helium, then I'll get hydrogen, then you'll have your beloved neon, then you can take O2, then N2, then CO, then CH4, then CO2, then ammonia, then water. Then your Cl2, then your SO3, and then your benzene. Benzene is C6H6. Just some gases, कुछ gases का A value compare करिए. Getting it? इनमें से कुछ भी ऐसा याद नहीं करने का ना? अबे अभी तो याद ही करोगे क्योंकि reason कैसे बताऊंगा मैं तुमको? अभी chemical bonding हुआ नहीं ना? जब chemical bonding हो जाएगा तब reason आ जाएंगे. Understood? Sir, वो एक मिनट थोड़ा ऊपर करो ना पेज सर वो एक मिनट थोड़ा ऊपर करो यहाँ से हाँ हो गया थैंक हो गया हाँ आगे चले Yes. okay. Now listen. आगे चलो. Right. एक बार बस वो एक ही values है.
लिख लो, ए के वैल्यू समझ जाओगे जब केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा, राइट? देन आई विल जस्ट कम बैक हियर एंड आई विल जस्ट लेट यू नो हाउ द थिंग्स इज डिफाइंड हियर, ठीक है? जेई में एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें क्लोरीन और अल्कोहल दोनों को एनालाइज किया था, ठीक है? ना तुमको पता होना चाहिए अगर क्लोरीन का वाटर से ज्यादा है तो वाटर का जो है वो अल्कोहल से ज्यादा होता है, तो क्लोरीन का अल्कोहल से ज्यादा होगा, ठीक है? ग्रेट। आगे चलें? यस। चलो ग्रेट। फाइन। Come here. Where we analysis of a real gas with different temperatures. With temperature, with difference in with temperature. Kaunsi real gas loom? I'll do one thing. Kaunsi real gas? Helium. Huh? Oxygen. Helium. कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन ले लो, वैसे ही कम है। यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, जेड इज इक्वल टू वन है, यहाँ जेड है, एंड अगर मैं ग्राफ चेक करूं ऑक्सीजन का तो एट वेरी लो टेम्परेचर अट्रैक्टिंग फोर्सेस बहुत हाई होगा, बिकॉज अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा व्हाट अबाउट द अट्रैक्शन? कम होगा। तो एक बात बताओ, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो कर्व कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाया तो और इस तरीके का हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाया तो जेड वैल्यू और बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाया तो जेड वैल्यू और बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाया तो Z वैल्यू और बढ़ेगी। एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें ना ग्राफ ऐसे जा रहा है, देखना सर, आइडियल गैस। हाँ बेटा, यहाँ तक, उसके बाद बढ़ रहा, ठीक है? ये जो टेम्परेचर है ना उसे बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं, टीबी। क्या बोलते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। हाँ, बॉयल्स टेम्परेचर। और ये ना एक रेंज ऑफ प्रेशर पे जेड इज इक्वल टू क्या फॉलो कर रहा है? तो अगर ये टेम्परेचर टी वन है, टी टू है, ये टी थ्री है, ये टी फोर है, ये टी फाइव है, ये टी सिक्स है, ये बॉयल्स टेम्परेचर है, और टेम्परेचर बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? के बाद क्या कर्व जेड लेस देन वन जा रहा है क्या? नहीं। वेरी गुड। नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस इज द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर वर्सेस जेड। नाउ अंडर यू कैन प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट। सो हाँ बेटा, एक बार रिपीट करोगे क्या? क्या चीज रिपीट करनी बेटा? सर स्टार्टिंग से देखो, मैंने बोला कि अगर ऑक्सीजन गैस लिया तुम लोगों ने, ठीक है, तो एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल या O2, तो गैस मॉलिक्यूल्स को अगर तुम टेम्परेचर T1 पे लोगे जो बहुत कम है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हाई होती है या टेम्परेचर कम होता है? जब टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो एक्सटेंट ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है। Getting it? Nice. एक मिनट। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, जेड वैल्यू बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो जेड वैल्यू बढ़ रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा होता है जिसमें ना ये इसको फॉलो करता है, यहां तक जेड इज इक्वल टू वन रहेगा फॉर अ रेंज ऑफ प्रेशर तक, उसके बाद बढ़ेगा, इसे बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं, और उस बॉयल्स टेम्परेचर के बाद जेड लेस देन वन नहीं जाता,
गेटिंग इट? ओके सर, अंडरस्टूड. आगे चलें. हाँ एक ग्राफ बना लिया सबने. हाँ यस सर. T10 is greater than T9 is greater than T8 is greater than T7 is greater than TB is greater than T6 is greater than T5 is greater than T4 is greater than T3 is greater than T2 is greater than T1. Understood? Now understand what is the definition of Boyle's temperature. Boyle's temperature ka definition kya? It is a temperature at which the real gas behaves ideally for a range of pressure. Yeah, behaves ideally for a range of pressure. एक चीज बताओ यार, पहले इतना लिख लो, ठीक है? Then I'll come to the main point. लिख लिया. Very good. आगे चलें. एक मिनट सर, एक मिनट सर, ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना प्लीज. हाँ बेटा. हाँ सर, इतने. डन सर. We'll move ahead now, right? Yes, sir. Yes, sir. Tell me one thing. At Boyle's temperature, so let's say that PV by NRTB is equal to 1 because that was Z. Z is equal to 1. So, jo PV hoga, wo tumhara NRTB hoga. आया ना? नंबर ऑफ मोल्स एन कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और बॉयल्स टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, कोई डाउट? तो जो पीवी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पीवी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. अगर पीवी कांस्टेंट हो जाएगा तो व्हाट इज चेंज इन पीवी एट दैट टाइम? अगर मैं प्रेशर चेंज करूं या वॉल्यूम चेंज करूं तो चेंज इन पीवी कुछ होगा क्या जब पीवी कांस्टेंट है तो? नो सर, जीरो चेंज. डीपीवी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट द टेंपरेचर व्हिच इज इक्वल टू बॉयल्स टेंपरेचर कितना होगा? जीरो. जीरो इज द एक्सप्रेशन फॉर बॉयल्स लॉ. अंडरस्टूड? और बॉयल्स टेंपरेचर. सिमिलरली डीपीवी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट टेंपरेचर टी इज इक्वल टू टीबी विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो. गेटिंग इट? Getting it? Yes. So, दोनों expression सही है. Actual technical expression given for boil temperature is this one. But ये वाला expression भी true करेगा hold because change in dp, change in pv will be zero only. Understood? Yes. और ये याद रखना, बहुत अच्छा expression है. आगे चले. Yes. सर आपने जो smiley बनाया वो zero है क्या? मतलब ये कैसे, मतलब और क्या हो सकता है इसका मतलब? जीरो को भी खूबसूरत बना दिया है ये, खूबसूरत हमने जो बनाया है. हाँ बेटा लिख लो चुपचाप, ठीक है? क्या ही मतलब हुआ इसका, राइट? उसके अलावा सर एग्जाम में जीरो मार्क्स आने पे भी खूब सरियती होते है ना, जीरो या नहीं तब बदसूरत होता. कोई नहीं बेटा, किसी दिन फिजिकल क्लासेस शुरू होने दो, आई विल शो यू डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीरोस. दा यस यस सर. ओके ग्रेट.
सर बस एक बार वो ग्राफ दिखा दो सर। सर अच्छा लगा? अच्छा तो है सर। ठीक है सर। ग्राफ बोलता तो वहीं पे आके अगला किडनैप कर लेता तेरे को। डन गाइस, डन, से यस। यस सर। यस सर। नाउ लिसन। यस सर। यस सर। एनालिसिस of Z versus pressure for real gas according to van der Waal equation. Hey, van der Waal ne kaun si equation di thi? सर p प्लस n स्क्वायर v बाय v स्क्वायर आगे v माइनस n b इक्वल टू nRT एक बार बताओ फॉर वन मोल क्या होगा इफ n इज इक्वल टू वन p प्लस a प्लस a को v माइनस b rt तो हम एक काम करते हैं, we'll study that. For one mole of gas, shall I say Z is equal to PV by RT? P real, V real by RT, right? NRT is RT आ जाएगा, correct? चलो, we'll start. Shall I move it down? इतना लिख लिया. Shall I slide down? Yes, sir. Done? Now listen. रियल गैस उठाते हैं, ठीक है? कोई भी टिपिकल रियल गैस का सीन ये रहता है, एग्री? ये जेड है, ये प्रेशर है और ये जेड इज इक्वल टू वन है, करेक्ट? एक काम करते हैं, पहला केस उठाते हैं एट लो प्रेशर, इफ द प्रेशर इज वेरी लो द वॉल्यूम विल बिकम infinite. बात बताओ, जब प्रेशर कम है तो कौन से फोर्सेस ज्यादा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। मेरे पास एक इक्वेशन है p plus a by v square into v minus b is equal to rt. Agreed? Yes. बात बताओ, अगर प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ज्यादा है तो गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से नेग्लिजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा। शैल आई से दैट v माइनस b इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v? v. Yes. तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ p प्लस a बाय v स्क्वायर और मैं इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत हाई होते हैं, राइट? यस। समझ में आई बात? तो p प्लस a स्क्वायर इनटू v इज इक्वल टू rt, मल्टीप्लाई करना pv प्लस a बाय v इज इक्वल टू rt, एनी डाउट? डिवाइड दिस विद rt, तो मेरे पास आ जाएगा pv बाय rt प्लस a बाय rtv इज इक्वल टू 1, कोई डाउट? नो सर। अच्छा, व्हाट इज pv बाय rt? Z. So Z for one more. That will be 1 minus P by RTV. Agree? तो जो lower pressure region पे जो Z की value है 1 से ज़्यादा है या कम है? 1 से कम है। Negative है ना? तो 1 से कम हो रही है। जितना ज़्यादा A value रहेगा, उतना ज़्यादा Z value 1 से कम होगा कि नहीं? हाँ, yes. यही हमने स्टडी किया था थोड़ी पहले। ग्रेटर द ए वैल्यू लेसर विल बी जेड वैल्यू, एग्रीड? यस सर। अंडरस्टूड? ये कब फॉलो होता है? लोअर प्रेशर रीजन में, है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। तो जेड वन से कम, यस सर।
वैंडरवॉल अंकल भी यही कह रहे हैं कि जेड वन से कमाना चाहिए. डन सर, ऊपर शुरू कीजिए सर. सर आप वो वी माइनस बी वाले बिट से वापस समझा सकते हैं? मेरे को समझ नहीं आपने वी माइनस बी को वी कैसे लिया. अच्छा एक बात बता, जब प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम क्या होगा? हाई होगा. अगर वॉल्यूम हाई है, अगर तू एक बहुत बड़े कंटेनर में है तो तेरा खुद का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के हिसाब से क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा. तो बी क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ना. यस सर. तो वी माइनस बी किसके इक्वल होगा? वी. समझा? यस सर. और कुछ? और कुछ? अरे और कुछ समझा? यस सर. यस सर. आगे सर. ओके नाउ लिसन, एक काम करते हैं, एट हाई प्रेशर देखते हैं ना. I guess we will do one thing. We'll use some other page here. At high pressure. Now, P plus A by V square into V minus B is equal to RTA. Pressure बहुत ज़्यादा है, तो P plus A by V square किसके equal होगा? सर पी के. वेरी गुड. देन पी माइनस ए बाय वी, पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी. यस और नो? यस सर. वेरी गुड. और वॉल्यूम बहुत छोटा होगा राइट, तो मैं तो बी को निगलेक्ट नहीं कर सकता वी से राइट. यस सर. तो मेरे पास आ जाएगा पी इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. एनी डाउट इन दैट? No, so I'll get PV minus PB. हाँ बेटा पूछ. सर अगर प्रेशर काफी हाई है और तो वॉल्यूम काफी कम है. हाँ हाँ. तो सर जो A by जो V square रहेगा वो और V. अब आदित्य, what about A? Will the attraction be there at high pressure? नहीं सर, attraction भी काफी कम हो जाएगा और repulsion थोड़ा start होगा. मैं क्या करूँ? समझ गया. ठीक है. I agree that you have asked a nice question. Okay. So anyways, divide by RT. So what I'll get? PV by RT is equal to 1 plus PB by RT. Agreed? What is PV by RT? Z. So Z ki jo value hai, 1 se kya aa rahi hai? Zyada. Haan, ab ek baat batao. मेरे लाल पीलो हरे नीलो हाइड्रोजन था, ये हीलियम था. ठीक है. ये जेड वैल्यू है और ये प्रेशर है. तो अगर सपोज करो जेड वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे मैं इसको एक पर्टिकुलर प्रेशर पे इसको एक्सट्रापोलेट कर दूं. तो प्रेशर मैंने कांस्टेंट रख दिया. इस पर प्रेशर कंडीशन पे इसका जेड वैल्यू इतना है और इसका जेड वैल्यू इतना है. एनी डाउट? नो सर. अच्छा एक बात बताओ, किसका जेड वैल्यू ज्यादा है, हाइड्रोजन का कि हीलियम का? हाइड्रोजन का. अगर मैंने प्रेशर सेम रखा, टेम्परेचर सेम है, आर भी कांस्टेंट है, तो जो जेड वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल है? के B का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम राइट. यस है ना. तो हाइड्रोजन बड़ा है कि हीलियम बड़ा है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. बी ऑफ हाइड्रोजन इज बिगर देन बी ऑफ हीलियम. एग्री? यस सर. बट लगता नहीं हमने गलत कर दिया? हाइड्रोजन एटम तो छोटा होता है ना हीलियम से. नहीं नहीं, पीरियोडिक ट्रेंड फॉरबिड्स दिस. ओए येड़े, हीलियम का जो एटम है
वो हाइड्रोजन के एटम से बड़ा होता है छोटा होता है? छोटा होता है सर, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस छोटा होता है ना। नोबल गैस है बेटा, नोबल गैस है। अरे हीलियम छोटा होगा या बड़ा होगा? सर हीलियम एक्चुअली में तो बड़ा रहता है ना हाइड्रोजन से। बेटा हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाँ फिर हीलियम बड़ा है, दो एटम सॉरी, और हीलियम एक ही है। मान लिया कि हीलियम एटम एक हाइड्रोजन एटम से बड़ा है, बट दो हाइड्रोजन एटम से बड़ा है क्या? नो सर, नो सर। पी वैल्यू डिस्कस करो ना, गैस की नॉट एटम की, राइट? सर इसमें वैन डेर वाल रेडियस कंसीडर नहीं किया। समझ जनरली लोग सोचते हैं कि हीलियम एटम बड़ा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन एटम नहीं है बेटा, वो हाइड्रोजन गैस है, दो हाइड्रोजन एटम। अंडरस्टैंड? तो दोनों हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम से बड़े होते हैं। गेटिंग इट? यस सर, यस सर। तो एक बात बताओ, अगर इतना समझ में आ गया, इतना लिख लिया? यस सर, हां सर। अच्छा एक बात बताओ, एक बार ऊपर स्क्रॉल करता हूं, ओके एक वन सेकंड करता हूं, है ना? हां चले आगे। अच्छा मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन है, मेरे पास दो गैसेस हैं, ठीक है? मैं तुम्हारा विजडम चेक कर रहा हूँ, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, कौन सा बड़ा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बी वैल्यू किसका? बी वैल्यू ज्यादा, सल्फर ट्राइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? सल्फर ट्राइऑक्साइड। किसका अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, SO3 का या CO2 का? SO3। अरे दोनों ज्यादा है। सर थोड़ा ऊपर खींचे ना प्लीज। हां बेटा मेरे को आवाज नहीं आ रही है। सर वो ऊपर करने को कह रही है। ओके अभी आई विल डू वन थिंग, आई विल सेंड यू दीस नोट्स, ठीक है? यस सर, इट्स डन, थैंक यू। इट्स डन राइट, आई विल सेंड यू दीस, डोंट वरी। बट अब इस पे कंसंट्रेट करो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, बी वैल्यू CO2 का, ए वैल्यू CO2 का, दोनों छोटे हैं, बी वैल्यू और ए वैल्यू SO3 का दोनों बड़ा है, राइट? अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है जेड वैल्यू का, तो ग्राफ का शेप कैसा होगा? नीचे एक बल जाएगा। किसका ज्यादा नीचे होगा, SO3 या SO2? SO3। SO3 का ज्यादा बल होगा नीचे। चलो डन, ये SO3 तक पहुंच गए और ये CO2 का पहुंच गए। आगे CO2 का ज्यादा होगा। अब हायर प्रेशर रीजन में किसका Z वैल्यू ज्यादा होगा, SO3 का की CO3 का? CO2 का सर, SO3 का। SO3 जाएगा और ये ऐसे खींचेगा, गेटिंग इट? यस सर। ताकि Z वैल्यू भी सेम प्रेशर पे SO3 का ज्यादा है CO2 से, बिकॉज़ का B वैल्यू ज्यादा है, राइट? यस। और ये CO2 का और ये SO3 का, राइट? तो देखा जाए तो दोनों केसेस के अंदर इसका Z वैल्यू ज्यादा कम, इसका Z वैल्यू ज्यादा बड़ा, राइट? तो यहाँ पे बी वैल्यू मैटर करता है और यहाँ पे A। तो जब जेड इज ग्रेटर देन वन है तो किस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे? बी वैल्यू पे। बी वैल्यू पे। वेरी गुड। और जब जेड इज लेस देन वन है तो A वैल्यू पे। एक बात बताओ, कौन ज्यादा कंप्रेसिबल है? अभी तुमको बताया था सुपरमैन CO2 होगा ना, CO2 के बीच में ज्यादा गैप्स होंगे बिकॉज छोटा वॉल्यूम है, राइट?
तो शैल आई से दैट कंप्रेसिबिलिटी नॉट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी वैल्यू करेक्ट सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नहीं यार वो लिक्विफैक्शन के ऊपर है मैंने कभी कंप्रेसिबिलिटी के लिए तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाओ कहेंगे यस सर समझा गाइस समझ में आई बात सर एक डाउट है हाँ बेटा बोल सर सुपरमैन कौन है अरे मैं हूँ भाई सर मतलब प्रेशर रेंज देखेंगे नहीं ना हम कंप्रेसिबिलिटी के लिए सुपरमैन है सुपरमैन हाँ अच्छा सुपरमैन है अपने पास एक पता नहीं था सुपरमैन एंड यू नो व्हाट लाइक पोपाय फीड्स ऑन दिस स्पिनच सुपरमैन फीड्स ऑन च्यवनप्राश यू नो दैट अच्छा ओके ना गाइस आगे चलें अमर वील वाइंड अप नाउ ठीक है ठीक है सर ओके ग्रेट चलो गाइस गॉड थैंक यू सर बाय सर Enjoy your Diwali, right? कल क्लास है ना सर। कल also enjoy your Diwali, right? Bye sir, thank you. Thank you sir, bye. Bye. Bye bye. Arshad. Bye sir. हाँ हाँ चलो take care.